मेरी माटी मेरी आन है तू। वाह मजा आ गया। इसका मतलब मेरा अंदाजा तेरे मतलब बिल्कुल ठीक था। तीखी मिर्ची है तू, ठीक। तीन चार दिन अपनी मर्जी से चीले, उसके बाद तुझे खुद पता चल जाएगा कि मीरल की हाँ में हाँ मिलाने में निजात है। वरना क्या करोगे? वो ही जुल्म जो तुम्हारे बाप ने मेरी सहेली नूरी के साथ किया है। मीरल सही, स्कूल के बाहर लोग जमा है, आपसे मिलने के लिए आए हैं। उनके लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है कि आप टाइम निकालकर उनसे मिलने के लिए आए उनके इलाके में। हाँ शाहजी, उनसे भी मिल लेते हैं। तुझसे अब तफसीली मुलाकात होगी और इस मुलाकात का मुझे इंतजार रहेगा आज से। हाजिर हो सकता हूँ जनाब। आओ रमजान आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या खबर लाया? सर असलम के घर के आसपास मैंने अपने मकबर लगा दिए। वारदात के रोज मोहल्ले में हर आने जाने वाले की तफ्तीश हो रही है। रमजान, जब हम असलम के घर एंटर हुए हैं तो उसका जिस्म गर्म ही था, मतलब समरे पे ज्यादा देर नहीं हुई थी, वरना जिस्म ठंडा पड़ चुका होता। जी बिल्कुल जनाब, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इसीलिए तो कहते हैं कि तकदीर इंसान की तदबीर से हमेशा दो कदम आगे होती। मगर तुम अपने आप को परेशान मत करो, अगर असलम ने खुदकुशी नहीं की तो उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाए बगैर हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जनाब, आपकी इसी हिम्मत और सपोर्ट की वजह से झोंक सयाल और शोरगुल की नफरी बहुत खुश है। इस वक्त सिपाहियों का मोराल बहुत हाई है। होना भी चाहिए रमजान, होना भी चाहिए। फोर्स का मोराल हमेशा हाई रहना चाहिए। अफसर अपनी नफरी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। एक बद दिल और बेजार फोर्स पूरे थाने को गर्क कर देती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। आपने मुझे किसी जरूरी काम से बुलाया था? हाँ, काम जरूरी भी है और राजदारी भी मांगता है। आप साहब, आप हुक्म करें जनाब, हर राज की पासदारी होगी। शोरकोट के तहसील बाजार के पीछे किसी गली में इकबाल नामी शख्स रहता। ये उस शौकत का दोस्त था जो बहुत दिनों से लापता है। मैं चाहता हूं तुम इकबाल से ऐसे तफ्तीश करो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। मुझे शौकत का सुराग चाहिए जल्दी। आप बेफिक्र हो जाए सर, मैं इकबाल को खुद बुला के तफ्तीश करूंगा और इंशाल्लाह किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जल्द आपको रिपोर्ट भी पेश करूंगा। ओके, जा सको। Thank you.
आप यहाँ? एक मिनट, दरअसल मैं, कोई बात नहीं, दरअसल मैं माज साहब और तुमसे कोई बात करना चाहता था। रोज रोज माज साहब को थाने बुलाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वैसे भी ये बात मैं थाने में करना नहीं चाहता था, इसलिए खुद ही चला आया। माज साहब को जरा, अच्छा क्या मेरा मतलब है, अब्बा तो घर पे है नहीं, वो तो बाजार गए हैं किसी काम से। ओह चलो मैं फिर कभी आ। नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, वो अभी आने वाले होंगे ना, तो आप थोड़ी देर इंतजार कर लें अगर आपके पास वक्त हो तो। Are you sure? मैं मतलब तुम्हें कोई परेशानी या मसला तो नहीं होगा? मुझे मसला नहीं, आप आए ना, अंदर आ जाए, पीछे हटोगी तो आऊंगा, रास्ता दो। आए ना, इधर इधर आके बैठ जाए, यहाँ पे बल्कि नहीं, यहाँ पे वहाँ पे, वहाँ पे यहाँ बैठे, यहाँ धूप नहीं है, मैं इधर 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 नहीं। तुम परेशान तो ना हो, रिलैक्स, तुम परेशान होना तो बंद करो, तुम्हें देख के तो मैं परेशान होना शुरू हो गया, रिलैक्स। अच्छा अंदर आ जाए ना, आप अंदर आके बैठ जाए, आ जाए। राम होरो, तुम कोई शर्म नहीं आई, जुआ खेड़ दे, वो भी मेरे इलाके च, वो हाल करूंगा कि बवंजा पत्ते बोल जाने सबने। बड़े जुआरी बैठे हैं सार झुका के भी। जी जनाब, आपने याद किया? किधर रह गया था सुबह से? मैंने किधर जाना जनाब, इधर ही खजल खार हो रहा हूं। वो ये बता के ये एएसपी साहब किधर गया है? एएसपी साहब मास्टर कमाले के घर तक गए हैं जी। मास्टर कमाले के घर? उसको आ क्या काम? पता नहीं जी, मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने तो असगर साहब से बात करते सुन लिया था बस। मुझे समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। क्या जवान थोड़ी जवान है ना उसकी, और सुना है सोनी भी है, समझाया? क्या मतलब है? अब बोले कुड़ी भी जवान है और ना साहब भी। आग जलती नजर आ रही है मुझे, बगैर माचिस वाली। मेरा जी चाह रहा था कि उस दरिंदे का मुंह नोच लूं, पर क्या करती, मजबूर थी। तुम फिक्र मत करो, पुलिस ऐसे लुच्चे लफंगों से निपटना अच्छी तरह जानते हैं, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है मेरे उससे। मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, मगर अरे मेरे तो भाग जाग गए एसपी साहब। आइए आराम से बैठे बैठे। भाई वो मुझे मोहल्ले के नंबरदार ने बाजार में ही आपके आने की इत्तला करवाई, तो मैं सारे काम वाम छोड़ के चला आया। शुक्रिया, मैं दरअसल आप लोगों को असलम के बारे में बताने आया था। उसकी मौत के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। हाँ
पता चल गया था। काश कि वो जिंदा पकड़ा जाता तो मेरे बेटे के दामन पे लगा था, शायद टूट जाता। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। वैसे इब्तदाई तफ्तीश से तो यही पता लगा कि जीवन का असलम या उसके ग्रोह के साथ उठना बैठना नया था, ज्यादा पुराना नहीं था। जरूर उसे सब बाग दिखाकर अपने साथ शामिल कर लिया उन्होंने। मेरा बेटा बहक गया था जनाब, और ऐसे न जाने कितने नौजवानों को उन जालिमों ने बहका कर अपने मुजरिमाना धंधों में शामिल किया होगा। सही कह रहे, इसका भी पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ओहो, मैं तो बातों में भूल गया, बेटी ससी तुमने एएसपी साहब को कोई चाय लस्सी का पूछा भी है कि नहीं? मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ। मैं बस आप लोगों को इत्तला देने आया था। मैं इतनी बुरी चाय भी नहीं बनाती। अगर मुझसे तारीफी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है अपनी चाय का तो फिलहाल है, लेकिन जल्दी। बस अभी लाई 5 मिनट में। वैसे भी थाने की बदमजा चाय पीते पीते थक गया। मुश्किल है पर हो जाएगा। अब तू जा, कल शाम को आकर सांप ले जाऊं। पर जोगी साई, वडी सैंड बोल रही थी कि सांप उसी नस्ल का जिस नस्ल का पिछले साल तुमने हवेली के जनाने से पकड़ा था। इसीलिए तो कल शाम तक का वक्त मांगा तुझसे, ताकि उसी नस्ल का सांप ढूंढ सकूं जिसका काटा पानी भी ना मांगे। चल अब जा, और सुन, बहुत एहतियात से लेके जाना, कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी खुद शिकार हो जाए। सांप बहुत बिफरा हुआ होगा। कल तहसीलदार को बुलवाकर बड़ी सड़क की तरफ जाने वाली जमीन की पैमाइश करवा लेना। मैंने कमिश्नर से सिफारिश करवा के खास तौर पे उसे नक्शे में डलवाया, वरना नक्शे में तो ये लोग कच्ची आबादी के अंदर से सारी सड़क लेके जा रहे थे। वैसे हमारे गांव वाले बड़े बोले हैं बाबा से। वो धनी बख्श कह रहा था कि गांव वाले बड़े खुश हैं, आखिर उनकी बंजर जमीनों में से सड़क जो गुजर रही और खुला मुआवजा भी मिलेगा। पहली दफा चौक सियाल के बीच में से इतनी बड़ी सड़क गुजर रही है, मैं ये मौका कैसे हाथ से जाने देता हूं? करोड़ों का मामला है। तो साई, ऐसे आम मौके पर आपको भी वहां मौजूद होना चाहिए। इरादा तो यही था, लेकिन वो एमएन ने खरल है ना, उसने मुझे कल रात को खाने पे बुला लिया। वापस आते आते सुबह हो जाएगी, इसीलिए मीरल के हवाले करके जा रहा हूं। सरदारी बेगम, तो नूरी के जनाजे की तैयारी करो।
साईं कितनी दफा आपको कहा है कि रात गए सफर ना किया करें, मुझे बड़ी परेशानी होती है, जल्दी आ जाइएगा। मर्द को सुबह उठकर काम के लिए निकलना होता है और औरत को घरदारी संभालनी होती है, यही सदियों की रीत है। जो मर्द दिन चढ़े औरत के घुटने के साथ लगे रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। खुदा ने आपको इतना दिया है कि साथ नस्लें भी बैठ के खाएं तो भी कम ना पड़े, फिर पता नहीं क्यों दिन रात इतनी भाग दौड़ करते। मर्द सिर्फ दौलत कमाने नहीं, ताकत कमाने भी घर से निकलता है। ये जो तुम हमारी सात नस्लों की सल्तनत देख रही हो ना, ये इसी ताकत के बलबूते पर कायम रखी हुई है। पहले मेरे अजदाद ने और अब मैंने। आपकी बातें आप ही जाने, मैं तो इतना जानती हूँ कि उदास हो जाती हूँ। ऊपर से ये जो तीसरी आई है उसके बाद तो मेरा वक्त और भी बढ़ जाता है। मुझे तो एक बात समझ में आई है जो हर मर्द के लिए बड़े गुर की बात है, कि अगर किसी मर्द को औरत की पूरी तवज्जो चाहिए तो उसे एक नहीं बल्कि दूसरी और तीसरी और चौथी शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जिस मर्द की सिर्फ एक औरत होती है उसे घास नहीं डालती। नहीं नहीं जानती साईं जी, मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर अच्छी नस्ल की औरत होना तो सात नस्लों तक साथ देती है, और जिसको आप लेके आए है किस खानदान की, ना नस्ल ना जात ना हमारी तरह रुतबा। इसीलिए सयाने कहते हैं मर्द की असलियत गुर्बत में और औरत की औकात पैसा आने के बाद पता चलती है। अगर वो कम नस्ल है तो वक्त को आजमाने दो उसे। तुम अपने फतवे अपने पास रखो। साईं मैं तो इलाके से बाहर जा रहा हूं, रात देर हो जाएगी। शहर से आते आते आज जितनी देर हो जाए उतना ही अच्छा है। सुलेखा अपने हक पर डाका मारने वाली को तड़पने का मौका नहीं देती। आज रात आपकी लाडली की हवेली में आखिरी रात है। क्या बकवास कर रहा जानदाद? उस लड़की पर मीरल की नजर है, और तू जानता है जिस चीज पर मीरल की नजर पड़ जाए वो चीज हमेशा के लिए मीरल की हो जाती है। हाँ सही, जानता हूँ सही, तभी तो आया हूँ सही। सही बकवास नहीं कर रहा, तो अपनी आंखों से देखा है और गुनाहगार कानों से सुना है, वही बता रहा हूँ आपको। अब सोचे ना सही, इतना बड़ा सरकारी अफसर और वो भी मास्टर के घर आएगा क्यों? अच्छा एक गाल है, उस दिन मेरे सामने बड़े नखरे कर रही थी जैसे उससे बड़ी कोई सती सवित्री ना हो, और पीठ पीछे एसपी के साथ कुटरगू कर रही है। सही वैसे एक बात बताऊं, एसपी है बंदा बड़ा शरीफ, सख्त अफसर है मानता हूं। अब देखे ना सही, इधर बयाबान में सहरा में आया हुआ है ड्यूटी करने, ना इधर कोई मेला लगा है ना सरकार। अब जवान खून है साईं, कहीं तो दिल पिस। मेरा मतलब है साईं, ख्याल तो लड़की जात को होना चाहिए ना, इलाके की इज्जत उसने दांव पे लगा रखी है। एएसपी इसे एएसपी के साथ तो वैसे ही हिसाब चुकता करना है।
लेकिन लगता है इस बार पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये पुलिस वाला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। इकबाल को ले आए साहब। लेके आओ उसको। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। तो तुम हो इकबाल? जी। पंचक्की काम की पूरी धन की पक्की पंचक्की। ये आपने मेरे लिए बनाया है? यस सानी जी। ये तो बहुत प्यारा है, बहुत शुक्रिया। चलें, अब आप सब लोग साथ में दोहराएं। पंचक्की काम की पूरी धन की पक्की पंचक्की। तुम्हारे पास रंगीन पेंसिल है? यस सर। शुक्रिया। पीरल साई आज रात देर से लौटेंगे, यही ठीक मौका है। लगता है कुदरत भी हमारा साथ दे रही है। तूने सारी बात सुन ली है ना? जी छोटी सैन, पर उस जोगी सपेरे को थोड़े और पैसे लगाने होंगे। कह रहा था काम बड़ा मुश्किल है। जितने मांगता है मुझसे ले जा, ले जा किसके पुतले मार, मगर काम में देर। सारी बात समझ ली है ना जीनी है? जी छोटी सैन, सब समझ गई हूँ मैं। जनाब असगर, एएसपी साहब को बताओ मैं बंदा ले आया। जनाब एएसपी साहब तो बाहर गए जरा किसी काम से, आप बैठिए मैं उनके पीछे किसी सिपाही को भेजता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने क्यों तकलीफ़ की सर? किसी सिपाही को भेज दिया होता सर, मैं खुद हाजिर हो जाता। नहीं नहीं, कर्जदार तो हमारा महकमा है आपका, आना भी मेरा ही बनता था। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, हम तो खादम हैं सर। और ये पेट्रोल पंप सर, ये तो सेठ का है,
और सेठ के मरने के बाद उसके बच्चे चला रहे हैं, और अब तो सेठ साहब के बच्चे भी बड़े शहर में जाके बस गए हैं और मुझे छोड़ गए हैं पीछे देखभाल के लिए। बताया मुझे सब इंस्पेक्टर करना। गालबन फकीर हुसैन नाम है तुम्हारा? जी जनाब, बंदे को फकीर हुसैन कहते हैं। आप हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? नहीं नहीं, खिदमत नहीं, मुझे कुछ मालूमात चाहिए तुमसे फकीर हुसैन। ये जो अपने दो थाने हैं, ये झोंक सयाल और शोरकोट, इन पर कितना कर्ज है तुम्हारे पंप का? सर ये सही तो मैं आपको रजिस्टर देख के बता सकता हूँ, लेकिन सर ये जो शोरकोट थाने वाले हैं ना सर, ये देर सवेर इनका जितना भी उधार का बिल होता है ये आके अदा कर जाते हैं। इस महीने सर इनका गालबन 20-22 हज़ार रुपये बिल बाकी है, और वो रमज़ान थानेदार है ना सर, मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह महीने के आखिर तक ये भी अदा कर देगा। अच्छा, और ये अपना झोंक सयाल थाना, इसका क्या बिल है? और सर इनका तो हर महीने 2.5-3 लाख का बिल होता है, और ये हर महीने बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। ऐसा क्यों? हर माह बजट से कटते तो हैं ये पेट्रोल डीजल के बिल के पैसे, तो फिर ये बढ़ता कैसे जाता है हर माह? सरकार ये तो सरकारी मामलात हैं, आप बेहतर समझते हैं। नहीं मैं नहीं समझ रहा फकीर साहब, खुलकर बताओ क्या बात है। सर वो जहांदाद साहब है ना सर, जहांदाद साहब, हाँ, वो हर महीने पेट्रोल तेल और डीजल की पर्चियों के हमसे नकद पैसे ले जाते हैं, और सर गाड़ियों में तो तेल डलवाते नहीं है, और बाद में जो गाड़ियां पेट्रोल डलवाने आती हैं उसका पेट्रोल उधार से भरता है, और इसीलिए हर महीने कर्जा चढ़ता जाता है सर। समझ गया फकीर हुसैन, अब से हर पेट्रोल डीजल की पर्ची पर मेरे दस्तखत हुआ करेंगे, और किसी भी पर्ची के एवज कोई भी नकद कुछ नहीं लेकर जाएगा, समझ गए? अगर कोई कोई मांगे तो कहना है एसपी साहब से बात करो। जो हुक्म जनाब, जैसे आपने कहा वैसे ही होगा। किसी से डरना नहीं, मेरा नाम लेना। सर ठीक है, सर ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया सर जी, ख्याल रखिए। ठीक है, ठीक है सर। जनाब। सलाम सर। ऐसा बैठो रमजान बैठ। ये कौन है? जनाब ये शौकत का दोस्त इकबाल। तुम इकबाल हो? शौकत का? ज़ैनिये, ए ज़ैनिये, ज़ैनिये कहाँ है? सुबह से 3 बार बुलावा भेजा है मैंने, आई नहीं। ज़ैनिये के शरीके में फोतगी हो गई है छोटी सहन, वो वहीं पे गई हुई हैं, रात को देर से वापस आएंगे। तुसा हुक्म करो। नहीं नहीं बस जाओ तुम, पीरल साईं आए तो मुझे बताना। जी ठीक। जनाब मैं तो उस स्टेशन के बाहर से ही वापस लौट गया था शोकी के इसरार पर, फिर पता चला कि उन दोनों को तो मीरल के बंदों ने स्टेशन से ही पकड़ लिया। उसके बाद मुझे शोकी की कोई खबर नहीं मिली। उस नेमाड़े का बाप तो बेचारा दर बदर भटक रहा है साहब, शोकी को ढूंढ रहा है, सुना है मुल्तान गया है शौकत को ढूंढने। शौकत के बाप ने या उसके खानदान में से किसी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? गरीब के थानों में कौन सुनता है साईं, यहां तो जागीरदारों का राज चलता। शौकत का बाप आया था झोंक से आज शौकत को ढूंढने, लेकिन जागीरदारों ने उसे भी भगा दी। राज सिर्फ खुदा का और कायनात पर हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है इकबाल। रमजान कुछ भी होकर शौकत के बाप को ढूंढो। जो हुक्म जनाब। उसके खानदान में से किसी का उसका पर्चा कराना बहुत जरूरी है, और तुम इकबाल तुम शौकत के खानदान वालों को ढूंढने में हमारी मदद करोगे।
और शौकत की कोई भी खबर मिले फौरन हमें आके इतला दोगे, समझ आई? जो हुक्म साहिब। इजाजत जनाब। सरकार बहुत अच्छा किया जो हम टाइम पे निकला, वरना जैसी तूफानी बारिश है ना, दो तीन दिन के लिए रास्ते बंद हो जाने थे। हाँ आप सरकार जाएं आराम करें। हाँ ठीक है, और ध्यान रहे शौकत का बाप दोबारा उसकी तलाश में इधर ना आए। इस वक्त बहुत एहतियात की जरूरत है। सारी जिन सारी बहार सरकार, हाँ फिक्र ना करें, सख्त नजर रखूंगा। और अगर
वो गलती से इस तरफ आ गया तो उसे वापस जाने की मोहलत नहीं मिलनी चाहिए। ये बात मीरल को भी समझा देना। जो हुक्म सरकार।